रिवेंज ट्रैवल। आपको पता है होता क्या है, ये वो फिनोमिनन है जब कोविड के बाद जब सब पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसी रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं सब पागलों की तरह ट्रैवल कर रहे हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, आप भी किसी को जानते हो जो अभी ट्रैवल या छुट्टी पे ही गया। फ्लाइट टिकट्स रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, होटल्स हर जगह बुक्ड होते हैं, रेस्टोरेंट्स पूरा टाइम फुल है, वीकडे वीकेंड का तो हिसाब ही नहीं है। अब हम इन्वेस्टर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे तो नहीं। आज मैं आपके लिए ऐसा स्टॉक लाया हूँ, ईस माई ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। एंड ट्रस्ट मी, इस स्टॉक का एनालिसिस आपको लगेगा कि ये गोल्ड माइन है वेटिंग फॉर यू टू बाय। सो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी रिसर्च, सो दैट आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। सो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, किस चीज़ की आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Raj is my trip planners का पूरा analysis करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले होगा क्या, I'm going to tell you about the company, क्योंकि host आपने company के बारे में ना सुना, थोड़ा बताऊंगा, फिर industry analysis, फिर company analysis और इसमें मैं modes भी लूंगा, दूसरे peer से compare भी करूंगा कि इसके advantages क्या हैं, उसके बाद valuation देखेंगे और उसके बाद conclusion, ठीक है? चलो, is my trip. अब पूरे इसको easy summarize करें, ये कंपनी बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, खत्म, ठीक, जो एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन देता है B2B को भी एंड B2C को भी, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। इनकी प्रोडक्ट रेंज मैसिव है, एयरलाइन टिकट्स, होटल टिकट्स, टैक्सी टिकट्स प्लस एंसिलरी सर्विसेज देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वीजा प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करेंगे, तो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन होगा। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द ट्रैवलर्स विद वैल्यूएबल ट्रैवल सर्विसेज At competitive and transparent rates. ये बहुत important factor है जो हम आगे जाकर discuss करेंगे। ये company 2008 में form हुई थी, इनका head office New Delhi में है, their offices, agents are available in every pin code of this country, इनके worldwide offices भी हैं। और main चीज़ जो मुझे इस country की तरफ attract करता है ना, वो ये है, is the fact that in the entire sector, ये एक ही लौती कंपनी है विच कैन डिलीवर प्रॉफिटेबिलिटी एट इंक्रीजिंग स्केल, अपना बिजनेस बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स, आपको अबाउट मिल गया है, अब जाते हैं एनालिसिस पे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज वी हैव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारे देश के लिए थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू। और जस्ट मैं नंबर्स आपको बताऊं, ये इंडस्ट्री एड्स $247 बिलियन टू आर GDP। सो डेफिनेटली इसका बहुत मेजर रोल है, अपॉर्चुनिटी मैसिव है। अब थोड़े और फैक्ट्स एंड फिगर्स में चलते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में देखोगे, और मैं आपको ग्राफ्स भी दिखा रहा हूँ, ट्रैवल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 8%, मतलब फ्रॉम $46 बिलियन फ्रॉम 2019-2020, इट शुड ग्रो अप टू $66 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। So massive scale, and adding to this, the online travel market in our country is expected to double in the next 5 years. आपको बड़े interesting facts और बताऊँ, पूरे इंडिया में ना only 7% people have traveled through airports, जबकि बाहर के developed countries में it is above 63%. So लोग भूखे हैं and first time travelers भी भरे हुए हैं. So as an industry, overall मैं travel and tourism देख रहा हूँ, opportunity is massive. अब दोस्त जाते हैं towards the company analysis, ठीक है? अब ईज माई ट्रिप का सबसे बड़ा एडवांटेज और मोट क्या है, वो है इनकी पॉलिसी ऑफ नो कन्वीनियंस फी एंड नो हिडन कॉस्ट। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 90% इनके कस्टमर्स ना आर रिटेल कस्टमर्स, हम जैसे लोग हैं जो ट्रैवल के लिए बुक कर रहे हैं, एंड उन 90% में से 86% आर रिपीट कस्टमर्स। तो उनका लॉयल्टी, इनकी ब्रांड की स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज में ना लॉयल्टी और स्टिकनेस का बहुत कम सेंस बनता है। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आपको कोई फ्लाइट टिकट बुक करनी है, होटल बुक करना है, आप देखोगे सबसे सस्ता क्या मिल रहा है, यू विल गो देयर। देयर इज नथिंग एज लॉयल्टी कि मैंने अगर एक बार मेक माई ट्रिप से किया है तो मैं मेक माई ट्रिप से ही करता रहूंगा, ये बहुत बहुत कम है। इंडियन कस्टमर्स आर मोर प्राइस इफेक्टिव, जहां प्राइस सस्ती हो वहां भागते हैं, राइट? इसके बावजूद दे हैव 86% रिपीट कस्टमर्स, तो आप खुद देख सकते हो लॉयल्टी और स्टिकनेस कितनी ज्यादा है। नाउ यू माइट आस्क कि हर्ष, अगर बिजनेस मॉडल इतना ही अच्छा है तो दूसरी कंपनीज भी इसको अडॉप्ट कर लेंगी ना, इसमें बड़ी बात थोड़ी कुछ, बड़ी बात है। एंड आई विल टेल यू, अब मैं आपको पूरा इनका स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जो इनका मेजर कंपटीशन है ना, जो टेक कंपटीशन में आता है, मोस्ट ऑफ देम आर लॉस मेकिंग, सब ने फंडिंग उठाई थी स्पेसिफिकली इन द लास्ट 2 ईयर्स, बट अब जब फंडिंग कम हो रही है, इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, ईज माई ट्रिप का इतना बड़ा एडवांटेज पोजिशन है। प्लस इट इज अ बूट स्ट्रैप्ड कंपनी, ये कंपनी वो नहीं जो फंडिंग नहीं खड़ी हो गई है, खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है। इनके अब आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। पैंडेमिक टाइम में देवर ओनली अमंग द फ्यू प्लेयर्स जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल थे। इनकी बैलेंस शीट इतनी अच्छी थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इन्होंने होटल्स,
एविएशन, ट्रेन, बस ट्रेवल्स, इन सबको लिक्विडिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से अब इन कंपनीज के उनसे बेटर रिलेशंस हैं, इनको बेटर कमीशन मिलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इनका रेवेन्यू एड हुआ है ऑफ 40 करोड़ एक्स्ट्रा. सेकेंड, जो इनके एक्सपेंसिस है ना, दे आर ओनली 5.96% ऑफ ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है. लोएस्ट कॉस्ट इन इंडस्ट्री है, मिनिमल स्टाफ है, टेक्नोलॉजिकली दे आर नेक्स्ट लेवल. एंड एडिंग टू दिस, इनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत कम है, बिकॉज इनके बहुत सारे कस्टमर्स से वर्ड ऑफ माउथ से ही आ रहे हैं. स्टिकीनेस का पॉइंट बताया था ना आपको. प्लस दे आर इनटू सेवरल इनोवेशंस एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जिन्होंने व्हाट्सएप से पूरा कम्युनिकेशन सेट किया था विद द कस्टमर्स. की व्हाट्सएप इज ऐप जो सब यूज कर रहे हैं, ईजिली है, ये सॉफ्टवेयर APIs करते हैं फॉर बुकिंग, टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस है दैट मिनिमल स्टाफ के साथ भी दे कैन वर्क एट अ वेरी एफिशिएंट स्केल. प्लस इंडस्ट्री फर्स्ट है ऑफ फ्री ऑफ चार्ज फुल रिफंड मेडिकल पॉलिसी थ्रू विच कस्टमर्स कैन क्लेम कंप्लीट रिफंड ऑन डोमेस्टिक एयर टिकट. कोविड हो गया, नहीं जा पा रहे, ये कंप्लीट रिफंड आपको दिलवाएंगे. इट इज क्रेजी. और सबसे बड़ी चीज, इवन ड्यूरिंग द पैंडमिक दे रिपोर्टेड अ प्रॉफिट. बाय द वे, अगर आपको मजा आ रहा है सुनने में, अभी तो बहुत बाकी है, एंड इफ यू लाइक हर्ष, मुझे भी एनालिसिस करनी है, कैसे करने, हमारा पूरा एक स्टॉक मार्केट कोर्स अवेलेबल है, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू एनालाइज अ कंपनी, हाउ टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, इफ यू वॉन्ट चेक इट आउट. नाउ कमिंग टू द एक्विजिशंस एंड पार्टनरशिप्स, स्पाइस होल्डर्स से आता है, दुबई एक्सपो पार्टनरशिप के साथ है, देन स्प्री हॉस्पिटैलिटी के साथ है, जोलो बस ट्रैवल टेक के साथ है. मतलब बेसिकली ये हर एंगल से दे आर ग्रोइंग एंड दे आर एक्सपेंडिंग. अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं. इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years वॉज 32.10%. एंड बाय द वे, पास्ट 3 years में पैंडेमिक आता है और एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, दोबारा याद रखना. प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 68.80%. ROE इज 52.9%. ROCE इज 65.90%. एंड दीज फिगर्स आर क्रेजी. Debt equity is only 0.17, which is fantastic. Any company that has a debt equity of lower than 0.5, it's good according to me. And operating margin inka is at 57%, ridiculous level. Inka operating margin 57% hai. And as you can see in this chart, valuation game mein bhi they are the best compared to all of the peers. और एक कंपनी को ऑलमोस्ट 1 साल हुआ लिस्ट हुए हुए एंड ऑलरेडी इट हैज गिवन रिटर्न ऑफ 279%. सो इफ यू आर कंसीडरिंग दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से अच्छी है, बट डू योर ओन रिसर्च. एंड इफ यू वांट कि हर्ष मुझे थोड़ा सेफ चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड्स बता दो, तो ये है वीडियो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2022. दिस गोल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.